नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। मैं स्वाति, और आई नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर संस्कृत धर्म विद्या संकाय के छात्रों ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताया। छात्र शुभम तिवारी ने बताया कि धरना तो हमने खत्म कर दिया है, लेकिन जो विश्वविद्यालय प्रशासन को जो हमने फिरोज खान प्रकरण में 10 दिन का समय दिया था, उसका आज चौथा दिन है जिसमें हम लोग मशाल जुलूस निकाल कर अपना विरोध जता रहे हैं। वाराणसी से हमारे संवाददाता प्रहलाद पांडे की रिपोर्ट। जी, जैसा कि पूरे देश के समग्र जनमानस को बीएचयू विवाद की सारी जानकारियां हैं, उसी के उपलक्ष्य में हमने धरना तो खत्म कर दी लेकिन आंदोलन जारी है। तो आज आंदोलन के चौथे रोज में हम सबों ने मशाल जुलूस निकाला है, और यह मशाल जुलूस बताना चाहूँगा केवल संस्कृत विद्या धर्म संकाय से नहीं अपितु कला संकाय, सामाजिक विज्ञान संकाय, बिरला छात्रावास, आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास के सभी साथी इसमें आगे आ रहे हैं। और आज की जो यह मशाल जुलूस है वो कला संकाय, सामाजिक विज्ञान संकाय के छात्रों की अगुवाई में की जा रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी गठबंधन कर सरकार बनाए जाने के ऐलान से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से सिविल लाइन सुभाष चौराहे पर जमकर जश्न मनाया। हाथों में बाल ठाकरे, सोनिया, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की चित्र लिए लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाइयां दी। कांग्रेस महानगर महासचिव हसीब अहमद, शिवसेना के महानगर अध्यक्ष मिलन साहू और सपा के मीडिया प्रभारी सैयद मोहम्मद अश्करी की अगुवाई में जुटे सैकड़ों संयुक्त कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी की। तो इस मौके पर राजकुमार शुक्ला, प्रदीप चौरसिया, पंकज साहू, मकसूद रिजवी, विक्रम यादव, शबी हसन, इस्तियाक अहमद, रिंकू तिवारी, प्रदीप मिश्रा, रॉबिन लोहिया, मोहम्मद हसीन, प्रकाश आनंद शर्मा, आसिफ आबदी आदि लोग शामिल रहे। प्रयागराज से हमारी संवाददाता कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। तक गला घोट करके हत्या किया गया। सप्ताह भर से महाराष्ट्र में उठापटक का सिलसिला जारी था, उसका अंत हो गया। उस अंत की जीत की खुशबू प्रयागराज तक पहुंच गई महाराष्ट्र से निकल करके। तो प्रयागराज में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संयुक्त कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील तो महाराष्ट्र में गाड़ा गया, मगर प्रयागराज के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अंत किया। और साथ ही 2022 में उत्तर प्रदेश, दिल्ली का चुनाव और देश के अन्य राज्यों के चुनाव में इसका दूरगामी परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतने के लिए संकेत दिया, क्योंकि ये गठबंधन नहीं हुआ बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देश की तमाम पार्टियां अब एक होने के लिए तैयार हैं। ये पार्टियों का मुकाबला इस बार भारतीय जनता पार्टी से नहीं होगा बल्कि इनकी बुराइयों से होना जा रहा है, उसी का जश्न हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। हसीब अहमद, महासचिव महानगर कांग्रेस इलाहाबाद। विगत कई दिनों से, चुनाव जीतने के बाद भी कई दिनों से संघर्ष चल रहा था और सरकार नहीं बन पा रही थी। भाजपा ने अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, सत्ता पावर का दुरुपयोग करते हुए दो बार जो है देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाकर बैठाया, लेकिन वो सरकार धराशायी हो गई क्योंकि उनके पास पूरे गिनती नहीं थे विधायकों के। लेकिन हमारी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की महायुति ने मिलकर वो पूरी गिनती को विधायकों की स्पष्ट किया है, जिसके बाद राज्यपाल के द्वारा हमारे उद्धव साहब ठाकरे को मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का जो है मनोनीत किया गया है, जिसका शपथ ग्रहण समारोह कल शाम को 7 बजे मुंबई में शिवाजी पार्क में होगा। उसी के जश्न में आज शिवसेना के तरफ से मैं प्रदीप चौरसिया प्रदेश महासचिव, हसीब भाई कांग्रेस के हमारे, मिलन साहू महानगर प्रमुख,
और मंडल प्रमुख प्रकाशन शर्मा के साथ समाजवादी पार्टी के महासचिव हमारे पास पंकज साहू जी और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनसीपी के कार्यकर्ता, शिवसेना की भवानी सेना की कार्यकर्ता आज इस मुख्यमंत्री बनने पर उद्धव साहब के एक साथ संयुक्त हम लोगों ने जश्न मनाया है और एक शपथ भी लिया है कि महाराष्ट्र ही नहीं अन्य राज्यों में भी ये महायुति गठबंधन करेगी और 2022 में हम लोग इस भाजपा से, भारत जलाओ पार्टी से इस देश को मुक्त करेंगे, ऐसा शपथ शिवसेना प्रमुख ने मारे है। संदेश यही है कि सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी जो सबका साथ तो लेना चाहती है लेकिन सबके विकास की बातें नहीं हो रही है। जब भी मुद्दे आते हैं तो कभी अयोध्या, कभी पाकिस्तान, लेकिन जहां पे उत्तर प्रदेश की जो समस्या है, देश की जो समस्या है वो बेरोजगारी है। शिवसेना और महायुति का जो गठबंधन बना है, सबसे पहले हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगार हो रहे हैं, टहल रहे हैं सड़कों पर, उनके रोजगार का प्राविधान होगा, प्लस किसानों की जो व्यवस्था है, किसानों की भरपाई पूर्ति होगी, उसके लिए महागठबंधन सरकार बनाई गई है। प्रदीप चौरसिया, उत्तर प्रदेश महासचिव शिवसेना। भूमाफियाओं का खेल का हुआ खुलासा, जिलाधिकारी ने FIR दर्ज करने का दिया आदेश। आज प्रयागराज के कछार मऊ के द्रौपति घाट पर अवैध तरीके से अपनाई गई सरकारी 5 बीघा जमीन को भूमाफियाओं द्वारा मुक्त कराया गया और प्रयागराज के जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने इस जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराने के साथ ही साथ फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारी एवं सहयोग करने वाले अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, सर्वे कानून को और क्षेत्रीय लेखपाल तथा राजस्व निरीक्षक आदि पर FIR दर्ज कराने का आदेश हाईकोर्ट के कमिश्नर और जिलाधिकारी के आदेशों के क्रम में निर्देशित किया गया तथा इसी के साथ आज धन्यवाद उन्होंने किया कि जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार इन 76 भूमाफियाओं से इस जमीन को खाली कराया गया तथा इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कराने का आदेश भी दिया गया। प्रयागराज से हमारी संवाददाता कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। छावनी क्षेत्र इलाहाबाद से DM द्वारा जो आज हमारे क्षेत्र वार्ड नंबर 2 द्रौपदी घाट में भू माफियों द्वारा जो जमीन कब्जा की गई थी उस पर माननीय DM साहब का आदेश, कछार मऊ में 5 बीघे जमीन, 76 भू माफिया जिन्होंने इन लीगल तरीके से को फर्जीवाड़ा करके कब्जा कर लिया था, माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, कानून गो हैं, लेखपाल हैं, राजस्व निरीक्षक आदि जो भी हैं, माननीय हाईकोर्ट एवं कमिश्नर साहब के आदेश के अनुसार दिनांक 27/11/2019 को यह आदेश किया गया कि इन सब 76 भू माफियों के ऊपर मुकदमा हो और ये भूमि छुड़ाया जाए। ये मैं इसके लिए हाईकोर्ट और माननीय कमिश्नर साहब को और शासन के लोगों को बहुत धन्यवाद देना था और उन लोगों को भी जिन्होंने इसमें काफ़ी मदद की, कि DM साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने काफ़ी ईमानदारी के साथ और सक्रिय भूमिका निभा कर इतनी बड़ी जो भू माफियों की टीम थी उजागर किया, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर किया और ये SC की थी जमीन जिस पर काफ़ी दिनों से भू माफिया कब्जा किए हुए थे। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय चीफ मिनिस्टर साहब को धन्यवाद दूंगा, जो एंटी करप्शन जो इन्होंने आदेश किया उसका काफ़ी असर हुआ, क्षेत्र की जनता को बहुत राहत मिला, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार सोनू लोग कहते हैं, मैं वार्ड नंबर 2 से पार्षद हूँ कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया से। उत्तर प्रदेश बिजनौर के हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर दाना पानी रेस्टोरेंट में एकल शिक्षा अभियान के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम किया गया। प्रोग्राम में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, विभिन्न क्षेत्रों से बच्चों ने अपनी सांस्कृतिक विभूति से कार्यक्रम में आए अतिथियों को मंत्रमुग्ध किया तथा मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर राखी अग्रवाल रही। डॉक्टर राखी अग्रवाल एक समाज सेवी हैं और इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक फिल्म का भी निर्माण किया है, फिल्म में अभिनेत्री का रोल भी किया है तथा समाज को बेटी के प्रति जागरूक करने के लिए इन्होंने एक बीड़ा उठाया है। कार्यक्रम के तहत अतिथियों से भी बातचीत की गई। बिजनौर से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। Se
डॉक्टर हूँ और साथ साथ समाज सेवी हूँ और एक छोटे मोटे एक्ट्रेस भी हूँ। मुझे भी जानकारी है, जिले में आपका काफी नाम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में आपने काफी योगदान किया, फिल्म बनाई है, आप फिल्म के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, बधाई हो बेटी हुई है, जो कि बेटी की एजुकेशन के बारे में, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ये एकल अभियान में जोड़ा गया है। इसमें आज यहाँ आने का, बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने का मौका मिला, और ये भी देखकर अच्छा लगा कि छोटे छोटे गांवों के बच्चे भी जो हैं वो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जैसे मुझे अभी पता लगा पंचमुखी शिक्षा के बारे में, जिसके अंदर आप शिक्षा जो किताबों में है उसको देने के अलावा जैसे जैविक खेती बता रहे हैं या संस्कारों की शिक्षा भी दे रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये शुरुआत है, इसी से हमारा जो समाज है, हमें सिर्फ बेटियां नहीं बचानी, मुझे ये लगता है कि अब समय आ गया है कि हमें बेटों बेटी दोनों की शिक्षा और उनके संस्कारों पे, हाँ उनके संस्कारों पे ध्यान देना है। तो एक अच्छे समाज को विकसित करने के लिए इस तरह की शिक्षा बहुत जरूरी है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, अभी मुझे इस बात की जानकारी मिली है, तो बहुत अच्छा लगा कि इन बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब तरीके से अच्छी एक शिक्षा मिल रही है, और छोटे से गाँव से भी बच्चे निकल कर आएंगे, बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, अपना नाम कमाएंगे, तो अच्छा ही लगेगा। डॉक्टर साहब, आप अपने प्रोफेशन से भी फिर भी उसके पास समय दे पाती है, आप कैसे मैनेज करती हैं? जब आपके मन में इच्छा होती है कुछ भी करने की, तो आप फिर समय को नहीं देखते। आज मुझे ओपीडी करनी थी, जब मुझे आज सुबह ही इस प्रोग्राम के बारे में पता लगा, पर जब मेरा मन है तो मैं अपने पेशेंट्स देखकर और बाकी को मैं शाम को जाके देख लूंगी, तो अच्छा लगता है। अगर थोड़े समय के लिए भी मैं इन लोगों का कुछ प्रोत्साहन कर सकूं, मुझे देख के इन लोगों को अच्छा लग रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा इस चीज में। चलिए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे प्यारे बच्चों को जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए हैं उन्हें देखकर ये लगता है कि बहुत जागरूक हो रहे हैं बच्चे, आने वाली पीढ़ी हमारी बहुत, हमारा भविष्य है ये, संस्कृति से जुड़ने का सौभाग्य मिला बच्चों को। और दूसरा कि ये संस्कार, संस्कार और पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी मिल रहे हैं, और सब चीज नहीं था उनको, उनकी मनोस्थिति को देखकर ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और ऐसे एकल विद्यालय पूरे भारतवर्ष में, भारत के हर प्रांत में लगभग 1,00,000 की संख्या में अब यहाँ है, जो 4,00,000 गांव भारतवर्ष के हैं उनमें जाने की हमारी योजना है। धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है और समाज के सब वर्गों को जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है।
मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जो मॉनिटरिंग का काम इसका होता है कल शिक्षा प्रणाली, इसे कौन करते हैं? गवर्नमेंट करती है? विश्व परिषद के माध्यम से ये चल रहा है। अच्छा, ये योजना है, ये उनकी योजना है, यानी इसके अंदर गवर्नमेंट का या किसी प्रकार का कोई सहयोग किसी से नहीं है। केवल वो NRI लोग जो भारतीय विदेशों में रहते हैं उसे डोनेशन लेकर यह कार्य चल रहा। आजमगढ़ के सलेमपुर में घायल अवस्था में शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। मृतक का नाम वीरेंद्र मौर्य बताया जा रहा है। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आजमगढ़ से सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। क्या नाम आपका है? राजकुमार। अच्छा, ये कैसे घटना घटी, क्या मामला है बताइए, किस गाँव का है? ग्राम सलेमपुर में वीरेंद्र मौर्य डेली ग्राम मोड़ पे सब्जी की दुकान चलाते हैं। अच्छा, शाम को बराबर की तरह शाम को 6-7 बजे। क्या नाम बताए इनका? वीरेंद्र मौर्य। अच्छा, सब्जी की दुकान करते थे, वहीं शाम को 6-7 बजे करीब घर वापस आते थे। और जब घर वाले परेशान हो गए कि अभी तक नहीं आए तो ढूंढना शुरू किए। करीब 8-8 बजे करीब उनके बच्चे वगैरह पीपल के पेड़ के पास उनकी लाश घायल अवस्था में मिली थी। इस सूचना पाते लोग हमको सूचित किए, हम 100 नंबर और थाने पर सूचना दिए, मौके पुलिस पहुंची। अच्छा, लाश को अपने कब्जे में ली और थाने पर ले आई। आप कौन हैं? ग्राम पंचायत सलेमपुर के प्रधान। अच्छा, प्रधान है जी। अब जो भी उनका गांव कौन सा था? सलेमपुर। सलेमपुर के गांव के रहने वाले हैं। थाना देवगांव। ठीक है। ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।